योग हेल्थ क्लब सैंडिस कंपाउंड भागलपुर द्वारा होली महोत्सव का आयोजन सैंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान में योग हेल्थ क्लब के प्रांगण में अनीता कौशिक के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ किया, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां एवं समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सम्मिलित हुए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? होली बुराई का बुराई पे अच्छाई के का प्रतीक है, और दो साल से हम लोग होली उत्सव नहीं मना पा रहे थे, तो ये आज ये मौका है दो साल के बाद जो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं आपसी भाईचारे के साथ पूरे। 21 मार्च को होने वाले ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। 21 मार्च को रखा गया है चुनाव, इसको लेकर श्रवण कुमार बाजोरिया जो मारवाड़ी समिति के अध्यक्ष हैं और टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव में दो दल होते हैं, दोनों खेमे में 24 सदस्य होते हैं, जिसके लिए 12 से ज्यादा जिस दिन में मतदान होता है वह तीन साल के लिए कार्य करती है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग कितना भी दावा कर ले, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य विभाग पर सरकार का कोई भी दावा सफल नहीं दिख रहा है। इस बार मामला कोसी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर से आया है, जहां पिछले 40 घंटों से मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही है। मैं तो यही कहूंगा, दुर्भाग्य है हमारे शहर में इतना बड़ा मायागंज हॉस्पिटल रहते हुए विधि व्यवस्था सरकार दे रही है, उसके बाद भी यहाँ के मैनेजमेंट का इतना मतलब गंदा हाल है कि मैं क्या बोल सकता हूँ। मायागंज आने से लोग डरते हैं, उनको लगता है कि हमारे पेशेंट यहाँ से वापस बच करके नहीं जाएंगे, ये डर कर कब खत्म होगा ये क्या बताएं। यहाँ पुलिस जिला नवगछिया में ATF एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इस मिनी गन फैक्ट्री के साथ साथ अन्य मामले के उद्भेदन को लेकर नवगछिया SP ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता को लेकर SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि विशेष छापेमारी अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर लाल रंग की एक मोटरसाइकिल 33 से मिली, जिसे लेकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसके पास से तलाशी के दौरान 2 मैगजीन, 2 जिंदा गोली एवं अवैध हथियार बनाने वाला औजार बरामद किया गया है। ये लगभग जो पूछताछ से सामने आई है, लोग 2.5 महीने से नवादा गांव में बन रहा था। अब बताइए, इतना बड़ा काम चल रहा था, इतना बड़ा वो, इसमें तो आवाज़ भी होता है, पता नहीं पड़ोसी जानकारी क्यों नहीं दिया, जानकारी देना चाहिए था तब तो बहुत पहले पकड़ लेते। सप्लाई कहाँ था इसका, कैसे? ये मैं पहले कहा कि इससे कई हथियार बन के बाहर बेचे गए हैं, कुछ हथियार यहाँ से वापस मुंगेर गया, फिर मुंगेर सप्लाई हुआ, कुछ यहाँ के लोगों को भी दिया गया है, जो नाम हमारे सामने आ गया है, छापामारी की जा रही है, हम लोग बहुत जल्द से गिरफ्तार कर आपके सामने लाएंगे। हम लोग सभी उसको देख रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अपर रोड के स्थित मारवाड़ी युवा मंच से मारवाड़ी समाज द्वारा श्याम महोत्सव को लेकर विराट निशान शोभा यात्रा निकाला गया। मारवाड़ी युवा मंच से गाजे बाजे के साथ श्याम के भजन करते नाचते झूमते पैदल प्राचीन खाटू श्याम मंदिर भागलपुर पहुंचेंगे। खाटू श्याम के जयकारे के साथ भागलपुर में भव्य निशान यात्रा प्राचीन खाटू श्याम मंदिर रानी सती मंदिर से निकाली गई। मारवाड़ी समाज की ओर से निकाली गई इस शोभा यात्रा में निशान लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की टोली थी। इससे पहले ध्वज की पूजा की गई थी। निशान यात्रा के दौरान अबीर गुलाल के साथ रंग और फूलों की बारिश की गई। तीन दिवसीय फाल्गुन महोत्सव के पहले दिन शहर के नया बाजार स्थित गौशाला प्रांगण से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाला गया, जो कि पूरे शहर में घुमाया गया। श्याम मंदिर निर्माण कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के पुरुष व महिलाएं शामिल हुई।
आज तिलका मांझी में प्रोफेसर विभांशु मंडल निषाद की अध्यक्षता में शहीद जुब्बा सहनी के 78वें शहादत दिवस की याद में शहादत दिवस या निषाद सेवाकर्मी मिलन समारोह मनाया गया। डांस दिल से के बैनर तले लोगों ने जमकर होली पार्टी का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम का थीम था रंग दे भागलपुर। शहर में स्थित विभा भवन में डांस दिल के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चे व महिलाओं ने गीत संगीत का खूब मजा किया। होली की धुन पर जमकर लोग थिरके। समारोह में रंग गुलाल के साथ पकवान की भी व्यवस्था की गई थी। ईशा फाउंडेशन की ओर से मिट्टी बचाओ अभियान के तहत भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ईशा फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिट्टी बचाने को लेकर जागरूक किया। नागरिक विकास समिति के द्वारा काजीचक बाल्टी कारखाना चौक के समीप संतोष कुमार के आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नागरिक विकास समिति के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे से गले मिलकर रंगों का पर्व होली काफी धूमधाम से मनाया। ईशा फाउंडेशन की ओर से मिट्टी बचाओ अभियान के तहत भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ईशा फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिट्टी बचाने को लेकर जागरूक किया।